नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है फोटोशॉप और हम सीख रहे तमाम टूल्स के बारे में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 17 में, 17वें अध्याय में। तो हम आज सीखेंगे इस आज हम टूल्स के बारे में सीखेंगे। जो टूल है वो है यहाँ से डस्ट टूल और ब्रन टूल, और इसकी प्रॉपर्टीज में जो आ रहे हैं सभी टूल, स्पंक टूल, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। ये तीन टूल्स हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जान कर लेंगे क्या होता है इनका यूज। एक्चुअली दोस्तों, इनका जब सारे टूल्स को जब आप सीख जाओगे तो फोटोशॉप में काम करने बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इनका जो एडवांस लेवल में यूजेज है वो मैं एडवांस सीरीज में आपको बताऊंगा। तो एडवांस सीरीज में चलते हैं, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा वर्क करने में। लेकिन पहले सिर्फ हम इन वीडियोज के तहत सीख रहे हैं कि इनका प्रॉपरली एक बार के लिए टूल्स का यूज क्या होता है। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप और आपके दोस्त अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सके। और मैं इस कंप्लीट टेक्नोलॉजी के अलावा जो है कंप्यूटर के सारे कोर्स लेकर आऊंगा आपके सामने, तो आप आसानी से कंप्यूटर के सारे कोर्स भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, एक बार आप सभी टूल्स को देख लीजिए कि हमने इन इन टूल्स के बारे में सीखा था। और आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और वन बाय वन आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और बहुत ही अच्छी वर्किंग आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब आप लग सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। यहाँ से जो डस्ट टूल है और ब्रन टूल है और स्पैंक टूल है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डक टूल का एक्चुअली यूज देखते हैं। एक्चुअली डक टूल का यूज होता है, आपने देखा होगा कोई भी फोटो वगैरह स्टूडियो वगैरह हो तो आप किसी स्टूडियो के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहां पर तो लाइटिंग की उसके पास फिक्स व्यवस्था होती है, अच्छी से मैनेजमेंट होती है, तो आपकी फोटो क्लियर आ जाती है वहां पर तो। लेकिन यदि कोई स्टूडियो आपकी शादी में इमेज क्लिक करता है या रात को इमेज क्लिक करता है या फिर बहुत ज्यादा धूप में इमेज क्लिक करता है तो क्या होता है, या तो आपकी आंखों पर या फिर आप जो परछाई है वो आपकी पिक्चर पर आ जाती है और वो दिखने लग जाती है कि वो परछाई, तो उस परछाई को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उस परछाई को कैसे रिमूव करते हैं वो मैं बताऊंगा, ताकि वो लाइट से पड़ी हुई परछाई आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक्चुअली लाइट से जो क्या होता है कि आप फोटो पर कोई परछाई पड़ जाती है दूसरे की परछाई, अपनी ही परछाई, या धूप जो है ज्यादा हो उनसे जो है बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपके सामने एक इमेज है जो इसमें आपको दिख रहा होगा, जो इमेज पर इस चेहरे पर जो है उतनी परछाई नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा डार्कनेस आ गया क्योंकि थोड़ा अंधेरे में खींची हुई इमेज है। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप इसको अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इसका क्लिक करते जाना है इस तरह से। देखिए, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा नीचे मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी तरह से ये जो है परछाई है वो रिमूव हो रही है और आपका चेहरा काफी अच्छा लगने लग जाएगा, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। ये देखिए, इसमें थोड़ी परछाई कम थी तो थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। बाकी और आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो आपको सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज बार में जो एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करते हुए देखते रहिए, क्योंकि हर एक इमेज पर ये अलग इफेक्टिव डालता है, तो ये आपको करके ही देखना होगा एक्सपोजर। तो आप इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस पर ये डिपेंड करता है आपके चेहरे पर ज्यादा उजाला लेना कम उजाला लेना। आप देख रहे हैं इमेज काफी अच्छी लग रही है आपके सामने। यही एक और इमेज पर मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये वाली इमेज। एक्चुअली इस पर परछाई पड़ी नहीं, मैंने इसके ऊपर परछाई डाली हुई है, तो ये यहाँ से बॉर्डर तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन ये परछाई अच्छे से रिमूव आप कर सकते हैं। इस तरह से भी कई बार परछाई पड़ जाती है, तो आपको सिंपली इसका जो डार्कनेस है थोड़ा ज्यादा है, तो सिंपली क्या करना होगा, यहां से इसकी जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा ज्यादा कर देना है, मान लीजिए 80% करते हैं, और इसकी साइज को बड़े कोष्ठकों की सहायता से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बड़े कोष्ठक मतलब राइट वाले को जो ब्रैकेट है उसके थोड़ा सा बढ़ेगा और जो लेफ्ट वाला है उसे थोड़ा सा घटेगा, तो आप इसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाकी ऑप्शन बटन पर क्लिक कर भी आप इसकी साइज रिसाइज को देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसे पूरे को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ये जो क्या है परछाई डाली हुई है तो इतना रिमूव नहीं होगा, और इस तरह से देखिए मैं आपको प्रॉपर ऐसे करके रिमूव बता सकता हूँ कि पता भी नहीं चलेगा कि परछाई पड़ी हुई है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब एडवांस में चलेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे, बाकी मैंने इस पर आपको बताया है। तो इस तरह से आप और भी ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए,
इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद में इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं पुनः वापस समझने के लिए दूसरा टूल्स को यूज। तो देखिए मान लीजिए इस पिक्चर पर जो सेकंड टूल है वो है हमारा ब्रन टूल। एक्चुअली ब्रन टूल क्या करता है, इसका अपोजिट है ब्रन टूल। ये आपकी धूप से जो लाइट एक्स्ट्रा आ जाती है, आपका चेहरा आधा अच्छे से चमकने लग जाता है, आधा ठीक से चमकता नहीं, उसको जो है रिमूव करता है। मतलब आपकी चमक को थोड़ा डार्कनेस में बदलता है, थोड़ा अंधेरे में बदल देता है। मान लीजिए इस इमेज पर थोड़ा मैं उजाला डालता हूँ, उसको डार्क करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इतना उजाला मैंने इस इमेज पर डाला। सिंपली कंट्रोल एम करके आप इसे जो है उजाला जो ज्यादा है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इतना डाल देता हूँ और अब इस पर बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई इमेज थी नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने आपको ऐसे ही इस पर डाल कर ही बताया। वैसे यदि मेरे पास होती तो मैं आपको उससे और भी अच्छे से बता पाता, लेकिन आप करके देखिएगा बहुत ज्यादा यूज होता है ये स्टूडियो के पास। तो अब देखिए इस पर डार्कनेस डालते हैं। ये देखिए आप खुद आप देख पा रहे होंगे ये वाला सफेद, देखिए बहुत ज्यादा सफेद हो चुका है। तो आप इसे इस तरह से सही कर सकते हैं। ये देखिए देखिए इस तरह से आप इसे सही कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और भी देखिए यहाँ से आप और भी देख सकते हैं इसे। इसे थोड़ा सा ऊपर लेके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए और इसमें भी आप जो है इसका रेंज जो है कम ज्यादा करते रहिएगा। रेंज में तो सॉरी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक्सपोजर में आप ध्यान रखिएगा कितना आपको डार्क करना है। थोड़ा ज्यादा डार्क करना है तो इस तरह से आप इसको ज्यादा कर दीजिए, इस तरह से इसको डार्क कम ज्यादा करने में, ताकि आपका जो उजाला है वो इमेज पर थोड़ा ज्यादा पड़ा है तो उसको कम करने में आपको बहुत ही फायदा होगा इसका। इस तरह से हमारे पास ये इमेज थी, देखिए इस पर थोड़ा सा देखिए इस तरह से आप इसे ब्लैक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए हाँ, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूल की। इस टूल के बारे में इतना ही। तो ये जो स्पंक टूल है एक्चुअली इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है आपके चेहरे को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए। पुरानी फिल्मों की तरह आपके चेहरे को ये बना देता है बहुत ही अच्छी सी। जो पहला जो टूल था हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज में जो हम सीख रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज में, डस्ट टूल का एक्चुअली यूज था कि परछाई उठा देता है। सेकंड टूल जो आया था बर्न टूल। ये देखिए बर्न टूल का मतलब आप अर्थ से समझ सकते हैं, बर्न टूल का मतलब है कि उजाले को डार्कनेस में बदल देगा, मतलब डार्क थोड़ा अंधेरे में बदल देगा। और तीसरा जो है वो है कलर के लिए, आपकी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए। थोड़ा सा आप अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, पुरानी फिल्मों की तरह कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं कलर। मतलब आपकी बॉडी का जो स्किन का कलर है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बदल देगा, कपड़े का कलर चेंज कर देगा। और इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के तरीके और भी ऑप्शन है, लेकिन वो हम एडवांस में सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर टूल्स के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली टूल्स का यूज क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस चेहरे को देखिए थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं हम। ये देखिए ये होता जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, ध्यान से देखिएगा अच्छे से हो रहा है ये। ये देखिए यहाँ से हम इसे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप इस तरह से इसे क्लिक करते हुए आप देख लीजिएगा इस तरह से। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके नहीं बता रहा हूँ, आप बाकी आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हो रहा है। ये देखिए यदि आप ड्रेसेज को भी करना है तो ड्रेसेज पर भी आप इसे थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन आप इस तरह से डालकर देख सकते हैं। ये देखिए चल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस टूल्स का यूज। तो हमने यहाँ से जो है आज डस्ट टूल और ब्रन टूल और स्प्रिंग टूल के बारे में हमने सीखा है, और नेक्स्ट टूल्स में नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पेन टूल के बारे में सीखेंगे, जिसे फोटोशॉप की आत्मा कहा जाता है। आज तक फोटोशॉप इसी कारण जिंदा रह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक के सारे टूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है पेन टूल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल पर। यदि आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो कमेंट डाल दीजिएगा नीचे, क्या समझ में नहीं आया है मैं कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा आपके कमेंट्स पर। यदि आपको कोई बात या पिछले वाले टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो उन पर भी आप कमेंट डालिए वीडियोज पर, मैं देखूंगा और उन्हें फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर आपका जवाब देने की मैं उनमें कोशिश करूंगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे। कोई गलती हुई है तो उससे भी आप बताइए ताकि हम सुधार सके उसको, क्योंकि गलती आप हमें बताओगे क्योंकि सुधारने वाले भी हम हैं और आपका चैनल है, आपको इसे साथ लेकर चलना है।
तो आप हमें बताइए कि इसमें क्या गलती हो रही है, क्या मुझे सीरीज चलानी चाहिए, क्या इसके बाद में जो कोरल ड्रॉ की सीरीज लेकर आ रहा हूँ वो क्या मुझे लानी चाहिए, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और यदि कोई सुझाव हो तो आप वो भी दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा और कमेंट में और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।